दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अज्ञात बात YouTube चैनल। रामायण के अनुसार जब भगवान राम ने रावण का वध किया था, तब उसके अंतिम संस्कार के लिए उसका कोई भी बेटा जिंदा नहीं था और ना ही कोई भाई, सिर्फ विभीषण को छोड़कर रावण के पूरे कुल का समूचा नाश हो चुका था। ऐसे में भगवान राम ने विभीषण को कहा था कि उसके शरीर का अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान के साथ करो, लेकिन विभीषण इसके लिए तैयार नहीं था। वह रावण का अंतिम संस्कार नहीं करना चाहता था, लेकिन बार बार भगवान के कहे जाने पर वह लंका गए और वहां रावण का अंतिम संस्कार किया। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। कहते हैं कि रावण के शव का अंतिम संस्कार पूरा हुए बिना ही सभी लोग शमशान भूमि से लौट आए थे और तब वहां आए थे नागलोक के नाग। कहते हैं कि नागलोक का संबंध रावण से बहुत ही अच्छा था और इसलिए वह रावण को फिर से जिंदा करना चाहते थे। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं अज्ञात बात, जहां पर हम आपके लिए देश और दुनिया से जुड़ी अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय किस्से और कहानियां लेकर के आते हैं, जिससे आपका मनोरंजन भी हो सके और साथ ही साथ कुछ रोचक जानकारियां भी मिल सके। तो अगर आपको भी इन सब चीजों में रुचि है तो प्लीज हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप हमसे जुड़े रहें और ये सारी रोचक किस्से और कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचाई जा सके। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि वैज्ञानिक यह दावा करते हैं कि रावण का शव आज भी श्रीलंका के घनघोर जंगलों के बीच एक गुफा में ताबूत के अंदर मौजूद है। आखिर क्या है इसके पीछे का रहस्य, आइए आज जान लेते हैं। कहते हैं कि नागलोक का संबंध रावण से बहुत अच्छा था और इसलिए वे रावण को फिर से जिंदा करना चाहते थे। वह रावण के शरीर को लेकर वहां से चले गए। उन्होंने रावण के शव को एक ताबूत में रखा और लंका के घनघोर जंगलों के अंदर एक गुफा में छुपा कर रख दिया। उन्होंने रावण के शरीर को सुरक्षित करने के लिए कई रसायनों का भी प्रयोग किया और उसे उस गुफा में छुपा कर वहां से चले गए, इस भरोसे पर कि रावण एक दिन फिर से जिंदा होगा। दोस्तों, श्रीलंका के वैज्ञानिकों के एक रिसर्च में ये दावा किया है कि करीब 50 ऐसे स्थान हैं जिनका संबंध रामायण से है। इस रिसर्च के मुताबिक एक पहाड़ी में बनी गुफा में आज भी रावण का शव मौजूद है। ये गुफा श्रीलंका के रेगला के घने जंगलों में स्थित है। बताया जाता है कि भगवान राम के हाथों रावण के वध को 10,000 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। जिस गुफा में रावण का शव रखा हुआ है वो रेगला के जंगलों में 8,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर रावण के शव को एक ममी के तौर पर एक ताबूत में रखा गया है। इस पर एक खास किस्म का लेप भी लगाया गया है, जिसके चलते हजारों सालों से वह वैसा का वैसा ही है। यह शोध श्रीलंका के इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर द्वारा किया गया है। इस रिसर्च के मुताबिक 18 फीट लंबे और 5 फीट चौड़े ताबूत में रावण का शव मौजूद है। यह भी कहा जाता है कि इस ताबूत के नीचे रावण का बेशकीमती खजाना भी है। इस खजाने की रखवाली एक भयंकर नाग और कई खूंखार जानवर करते हैं। इस जंगल में कोई नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पर जंगली और खूंखार जानवरों का बसेरा है। इसके अलावा यहाँ पर रावण एला नामक एक झरना है, जो कि चट्टान से लगभग 25 मीटर अर्थात 82 फुट की ऊंचाई से गिरा है। रावण एला वाटरफॉल घने जंगलों के बीच स्थित है। यहाँ सीता जी के नाम का एक पुल भी है। यहीं पर रावण की रावण एला गुफा है। यह गुफा समुद्र की सतह से 1370 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह स्थान श्रीलंका के बांद्रावेरा से 11 किलोमीटर दूर है। मान्यता है कि जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया, तब उन्होंने उसके शव को विभीषण को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया था, लेकिन विभीषण ने राजगद्दी संभालने की जल्दी में रावण के अंतिम संस्कार पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसके शव को वैसे ही छोड़ दिया। इसके बाद रावण के शव को नाग अपने साथ लेकर चले गए, क्योंकि उन लोगों को विश्वास था कि रावण की मौत क्षणिक है और वो फिर से जिंदा हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके बाद उन्होंने रावण के शव को एक ममी के तौर पर बनाकर रख दिया, ताकि वो सालों तक सुरक्षित रह सके। आखिर क्या हुआ रावण के शरीर के साथ, ये तो एक राजी है, बट ऐसा कहा जाता है कि आज भी रावण का शव रगला के गुफा में सुरक्षित है। आपको क्या लगा है, इसमें कितनी सच्चाई है या कितनी मान्यता है, अपने विचार कमेंट में हमें जरूर दें। मिलते हैं आपसे जल्द ही एक और वीडियो के साथ, एक और रोचक जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।